अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त मिसेस एली, आपको अपने यूट्यूब चैनल मलिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो कोड मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो 305 दिन जिंदगी के हवाले से है। फ्रेंड्स, अगर आप इस मेरी वीडियो को एंड तक बगैर स्किप ये देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप पेपर में 80-90% मार्क्स दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो आपकी बुक में है, जिन्हें याद करके आप पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसकी इन्फॉर्मेशन में जाने से पहले ये चाहूंगी कि आप मैंने अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती हैं वो मिल सके, वक्त पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप चलते हैं अपने पेपर के पैटर्न की तरफ। हमारा जो पेपर होता है इसके कुल मार्क्स 100 होते हैं। 100 में से 40 मार्क्स है ना आपको लाजमी होते हैं। अगर आप 40 से कम मार्क्स लेते हैं तो आपको फेल आप हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप असाइनमेंट में 40% मार्क्स नहीं लेते या फिर आप असाइनमेंट नहीं जमा नहीं कराते तो दोनों सूरतों में आप फेल हो जाएंगे, और इस सूरत में आपको इस किताब का दोबारा से एडमिशन भेजना होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम पेपर के पैटर्न की तरफ। हमारा जो पेपर का पैटर्न है उसमें कुल सवाल आ रहे हैं, जिनमें से 5 सवालों के जवाब देना आपको जरूरी होते हैं। हर सवाल के 20 मार्क्स होते हैं। फ्रेंड, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में आपको बताती हूँ कि आपने जो भी क्वेश्चन लिखना है उसको अपने हेडिंग देख लिखने की कोशिश करनी है कि आप पेपर में क्वेश्चन की हेडिंग जो सी है वो देखिए क्वेश्चन हल करें, और हेडिंग्स कम से कम 15 से 12 होनी चाहिए। अगर 20 नंबर का सवाल है तो आपको उसका जवाब कम से कम 2 शीट्स पर आना चाहिए। इसके अलावा हमेशा पहले वो सवाल हल करें जो सवाल आपको अच्छे तरीके से आता है। दोनों साइड में मार्जिन लाइन लगाकर पेपर को बहुत अच्छे तरीके से हल करें, इससे आपको पेपर में मार्क्स ज्यादा मार्क्स लेने में आसानी होगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, दही तरक्की में जराये के किरदार और अहमियत को बयान करें। रेल पाकिस्तान के दही मसायल पर जामिया नोट लिखें। सवाल नंबर 2 है, मनसूबा बंदी के इसको करने की क्या जरूरत है, मनसूबा बंदी के बुनियादी असूल क्या है। सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान में जमीन की तकसीम किन असूलों पर की जाती है, इनकी वजूहात और नुकसान बयान करें। सवाल नंबर 4 है, फ्रेंड, महकमाने तआवुन की तारीफ और मुख्तलिफ सूरतों पर मिसालें देकर रोशनी डालें। नीज मुख्तलिफ तरक्याती कामों के तरीकों को वाजिया करें। सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तान में दरी देखी के किसी भी प्रोग्राम की खूबियां और खामियां तफसील से बयान करें। सवाल नंबर 6 है, चीनी हिकमत अमली क्या थी, क्या इस हिकमत अमली से पाकिस्तान काश्तकारों के मसाइल हल हो सकते हैं, बहस करें। सवाल नंबर 7 है, फ्रेंड्स, फनी कमेटी की तारीफ करें, नीज मकामी कमेटियों के वज़ाइफ बयान करें। सवाल नंबर 8 है, पेशावराना तरबियत की तारीफ करें, नीज दही तरक्की के लिए पेशावराना तरबियत की जरूरत है, अहमियत बयान करें। सवाल नंबर 9 है, माशर्ती और गैर माशर्ती इकाई को परखने के लिए बुनियादी असूलों के दरमियान फर्क को वाजिया करें। सवाल नंबर 10 है, पाकिस्तान में एक छोटा किसान बड़े कुंभ की कफालत कैसे करते हैं, नीज की मिसाल की तफसील से बयान करें। सवाल नंबर 11 है, मनसूबाबंदी के इब्तदाई मराहिल लिखे, नीज एक अच्छी मनसूबाबंदी किस तरह आबादी को देहातों से शहरों की तरफ नकल मकानी को रोक सकती है। सवाल नंबर 12 है, रिजल्ट अनुमानात पर नोट लिखे, नोट में आपके सामने बता रही हूँ, आपने ये नोट याद कर लेने। फ्रेंड, मनसूबाबंदी और मुस्तकबिल सूबाई मशावरती कौंसिल, बुनियादी जमहूरियत, जमीनों के फायदे, मवासलाती तालीम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, माशरती सकाफत की अहमियत, फरसुदा रस्म रवाज के छोटे काश्तकारों पर असर। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज की वीडियो एंड तक देखी होगी बगैर स्किप किए। फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आप बिल्कुल बुक ना पढ़े, बल्कि सिर्फ ये क्वेश्चन अटेंड करके आप ये सोचें कि आप अच्छे मार्क्स लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले अपनी बुक को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, अपनी बुक को पढ़ना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपने जरूर याद करना है, आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना। तो आप इस तरह करके अपने पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे अपनी दुआ में बहुत ज्यादा याद रखें, अपने कमेंट के जरिए मुझे अपनी राय जरूर अदा कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।